आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल CBSC कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 दैट इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, यानी इसका मतलब MCQ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है which of the following is not a component of the office suite। तो यहाँ पे देखें कौन सा नहीं है, तो राइटर, इम्प्रेस और बेस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो रहेगा वो इसका पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज लेट 1970 वाज, यानी 1970 के बाद जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो ये था मोस्ट पॉपुलर था वर्ड स्टार। तो इस तरीके से दूसरे का आंसर हो गया वर्ड स्टार। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वी कैन चेंज द मिस्टेक नोटिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इससे हम जो है अपने जो मिस्टेक है उसको नोटिस कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये कहाँ पे किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। केवल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मिस्टेक को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और उसको चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि हेडर्स एंड फूडर्स इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू। हेडर्स एंड फूडर कहाँ पे दिया रहता है, तो ये दिया रहता है इंसर्ट मेन्यू में, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि टू हाइड और व्यू रूलर वी शुड गो टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। देखिए जिस जहाँ पे भी हमको देखने से रिलेटेड किसी को हाइड करना है या किसी को देखना है, तो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कि व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू क्या करते हैं, हमको किसी भी मेन्यू को जो है उसको हाइड या फिर उसको ओपन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू द विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू। ग्रामर से रिलेटेड अगर हमको ऑप्शन यूज़ करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे टूल मेन्यू में। चलिए नेक्स्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है टू रिप्लेस द वर्ड बॉम्बे विथ द मुंबई वी शुड गो टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो देखिए हम कौन से ऑप्शन में ये ऑप्शन आ रहा है, कहाँ पे, रिप्लेस ऑप्शन। तो रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो रिप्लेस ऑप्शन हमको मिल जाता है एडिट मेन्यू में। तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा एडिट मेन्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टू क्लोज एंड ओपन डॉक्यूमेंट वी शुड गो टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब फाइल को ओपन करना या क्लोज करना है, तो ये हमको मिलता है फाइल मेन्यू में। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ राइटर। तो राइटर का क्या होता है, इसका होता है ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो इस तरीके से हमने आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेलेक्ट द सेंटेंस ऑफ राइटर। अब देखिए राइटर में क्या कर सकते हैं कि हम किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, तो सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे ट्रिपल क्लिक। ठीक, सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक हम यूज़ करेंगे, तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज ए रीडू एनी ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा Ctrl+Y। तो ये क्या हो जाएगा, Ctrl+Y। तो 11 का हो जाएगा, यहाँ पे Ctrl+Z जो है वो होता है अंडो का और रीडो का हो जाता है Ctrl+Y। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि फाइंड ए वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की। किसी भी वर्ड को क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि Ctrl+F होता है फाइंड करने का, तो यहाँ पे Ctrl+F दिया नहीं है, तो यह ऑप्शन जो है गलत, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो नॉन ऑफ द एबो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्पेलिंग आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली इन राइटर बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो यहाँ पे ऑप्शन यूज़ किया जाता है ऑटो करेक्ट, जिसके थ्रू हम जब गलत भी टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। द डिफ़ॉल्ट टेबल साइज इज देखें, जब हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ या कॉलम कितने होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम होते हैं 1 रोज़ एंड 1 कॉलम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर व्हेन ड्रॉ ए टेबल। जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है उसका शेप क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कि वाइट पॉइंट एरो, वाइट पॉइंट एरो होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेकिंग। तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे बी, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस F12। तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस F12। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में देखें हम जो है डेटा जो लेते हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिया जा सकता है, किससे नहीं लिया जा सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा टेक्स्ट फाइल, क्योंकि हम सारे तरीके से ले सकते हैं, केवल टेक्स्ट फाइल से नहीं ले सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पेज इज। तो पेज का जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। वैसे दो टाइप के ही ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में क्या नहीं आता, तो यहाँ पे जो है पेज फॉर्मेटिंग में देखिए फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन जो है पेज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का तरीका हो सकता है। नेक्स्ट 21, सेव एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद द सम अदर नेम यूजिंग सेव एज ऑप्शन ब्लैंक। तो ये देखिए सेव एज ऑप्शन क्या करता है, रिप्लेस द करेंट डॉक्यूमेंट, लीव द करेंट डॉक्यूमेंट एंड इज नॉट पॉसिबल, क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हम जब क्या करते हैं, सेव करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सेव डॉक्यूमेंट तो लीव द करेंट डॉक्यूमेंट इंट्रैक्ट, यानी उसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द शॉर्टकट की ऑफ इटैलिक इज सेलेक्टेड टेक्स्ट इज। अब देखिए इटैलिक के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस यहाँ पे आई होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आई कहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन आंसर नंबर सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे विच ऑप्शन शुड बी यूज्ड फॉर H2O। तो यहाँ पे 2 जो आप दिख रहा होगा ये कहलाएगा, जब बेस लाइन से नीचे की कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कहलाता है सब स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे 24 नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट ऑप्शन शुड बी यूज टू चेंज द वर्ड बुक टू द वर्ड कॉपी इन ए डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। पहले हम ढूंढेंगे और वहाँ जहाँ जहाँ पे बुक रहेगा उसको कॉपीज में चेंज कर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो व्हाट इज़ द ऑप्शन टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, व्हाट ऑप्शन टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट सो दैट द हाइट ऑफ द पेज इज लेस देन वाइड। तो यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे कौन सा ओरिएंटेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैंडस्केप। चलिए तो आगे हम लोग हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर, या आपको मल्टीपल चॉइस का आप इस PDF के नीचे ही आपको मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स द सब मेन्यू आइटम। मैं केवल यहाँ पे आंसर लेते जाऊँगा, आपको बाद में इसका आंसर जो है पेज के नीचे भी मिल जाएगा। द सब मेन्यू आइटम वेयर द 3 डॉट्स जस्ट आफ्टर द सब मेन्यू नेम डोनेट दैट इट विल बी ओपन द। तो यहाँ पे आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। द सब मेन्यू आइटम विद द राइट हैंड साइड एरो मीन्स द क्लिक ऑन इट विल ओपन। तो यहाँ पे अनदर सब मेन्यू, तो इससे अनदर सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेंट द वेरियस ऑप्शन फॉर ब्लैंक। तो यहाँ कहलाएगा फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, किसके लिए आ जाता है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर by pressing the home key, you jump to the beginning. अब यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे, जब हम होम में क्लिक करते हैं तो हम चले जाते हैं बिगिनिंग ऑफ द लाइन, और जब हम क्या पे क्लिक करते हैं बाय प्रेसिंग द एंड की, तो यहाँ पे आ जाते हैं द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के सबसे लास्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर यूजिंग द अंडो कमांड टू गो बैक अगेन टू द प्रीवियस ऑप्शन द ब्लैंक ऑप्शन और कमांड इज यूज्ड। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रीडो कमांड। डबल क्लिक इज यूज्ड टू सेलेक्ट द, तो यहाँ पे वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हम डबल क्लिक का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हेडर अपीयर एट द, तो यहाँ पे कहाँ पे दिखाई देता है, टॉप में। एंड द फूडर अपीयर एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं इन द ब्लैंक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ द पेज इज लेस देन वाइड। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट द ब्लैंक ऑप्शन, तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज यूज टू सी द हाउ द डॉक्यूमेंट विल बी लुक व्हेन इट विल बी प्रिंटेड। तो प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं ताकि हम जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं वो आफ्टर प्रिंटिंग कैसे दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन द मेल मर्ज द फाइल होल्ड द मेलिंग एड्रेस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे मेलिंग एड्रेस कहाँ पे को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाटा सोर्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा ये इसका आंसर आपको यहाँ पे पीडीएफ के नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रू फॉल्स में, तो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 1, टू ओपन ए वर्ड प्रोसेसिंग विंडो मेन्यू ऑप्शन इज सेलेक्टेड, तो हम करते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। द करेंट फाइल नेम इज शोन इन द स्टेटस बार, ये फॉल्स हो जाएगा। ये हमेशा कहाँ पे दिखाई देता है, टाइटल बार में। ओपन आईकॉन फॉर द ओपन ए फाइल इज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टूल बार, तो ये हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। देन फॉर्मेट मेन्यू कंटेन द ऑप्शन दैट अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट, ये भी ये आंसर हो जाएगा ट्रू। इट पॉसिबल टू ओपन ए MS वर्ड फाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर, तो 5th का आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कैन नॉट ओपन लिब्रा ऑफिस इन ए वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइटर डॉक्यूमेंट नॉट परमिट टू कॉपी ए सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द अदर डॉक्यूमेंट। अब देखिए राइटर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को आप कहीं दूसरे जगह पेस्ट नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इट इज़ पॉसिबल टू कॉपी ए सेलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट यूजिंग द मेन्यू ऑप्शन एंड द कीबोर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स वी हैव गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वी फाइंड ऑल द सिटीज इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर ऑफ राइटर, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है वाइल टाइपिंग इन द इनकरेक्ट स्पेलिंग टू डिटेक्ट द रेड लाइन इज मार्क अंडर इट, आफ्टर करेक्टिंग इट द रेड लाइन विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन लाइन, तो यहाँ पे सही है। जब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहता है तो रेड लाइन में आता है, फिर उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट तो ये 11 ट्रू हो गया। नेक्स्ट 12, द टेक्स्ट रिटन इन हेडर एंड फूडर इज प्रिंटेड ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द पेज नंबर अपीयर विद ग्रे बैकग्राउंड एंड इज प्रिंटेड विदाउट बैकग्राउंड, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द राइटर क्रिएटेड ए टेबल एज वाइड एज द पेज एरिया, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर उसके बाद ए न्यू कॉलम इज क्रिएटेड इन टेबल बाय प्रेसिंग टैब की, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मेल मर्ज इज यूज टू अपीयर द मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, तो 16 ये भी क्या हो जाएगा, मेल मर्ज, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 16 ये फॉल्स हो जाएगा। मल्टीपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, हर एक बार में अलग अलग नाम से क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, द फॉर्म लेटर कंटेंट द वेरियस इंफॉर्मेशन इन मेल मर्ज, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा ट्रू। द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन आर सेट इन द पेपर ऑप्शन अंडर द प्रॉपर्टीज, तो क्वेश्चन नंबर 18 ट्रू हो जाएगा। इन द प्रिंट रेंज बाय डिफॉल्ट करेंटली पेज इज सेलेक्टेड फॉर द प्रिंटिंग, तो 19 का ट्रू हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट द पेज साइज इज A4, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और PDF को डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और इससे पहले हमने जो है यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन आंसर हमने इस चैनल में डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।